पंटू, पंजाब में व्हाट्सएप पे ये मैसेज फैला है कि कर्फ्यू लगने वाला है, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, अपनी गाड़ियां फुल करवा लो। सारे पंजाबी गाड़ियां लेके लाइन में लग गए। एक बूढ़ा आकर चिल्लाया, अरे गधो, जब कर्फ्यू ही लग जाना है तो गाड़िया के अपने बेडरूम में चलाओगे? फिर क्या था, पंप छोड़कर ठेको पर लाइन लग गई। संता को फांसी की सजा सुनाई गई। जज ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? संता, हमारी जगह तुम लटक जाओ। अब पत्नी, हमेशा मेरा आधा माथा दुखता है, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पति, अरे उसमें डॉक्टर को क्या बताना, वो तो जितना है उतना दुखेगा ही। बस तब से ही पति का पूरा बदन दुख रहा है। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ, इसकी नाक तो मुझ पर गई है। बाप, इसकी आंखें तो बिल्कुल मुझ पर गई हैं। चाचा, इसके बाल तो मुझ पर गए हैं। माँ, इसकी स्माइल मुझ पर गई है। और वही बच्चा जवान होकर जब लड़की छेड़ता है तो सब बोलते हैं, पता नहीं ये लड़का किस पर गया है। भैया, ये है सुप्रीत सिंह। ट्रैफिक पुलिस, चालान काटना पड़ेगा, बताइए नाम बताइए। बंदे ने अपना नाम कुछ ऐसा बताया, आप खुद ही पढ़ लीजिए। ट्रैफिक पुलिस, अब की बार छोड़ रहा हूँ, फिर कभी सिग्नल तोड़ना नहीं। कि वैसे तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लेकिन इन दिनों मेरी पत्नी कभी टाइम नहीं लगाया। एक बेवकूफ पति अपनी पत्नी से कहता है कि कभी कभी चुप भी रहा करो, मगर एक बुद्धिमान पति कहता है कि तुम्हारे लब्ज जब खामोश रहते हैं तो चेहरा बेहद हसीन लगता है। पत्नी बड़ी ही दुर्लभ होती है, 20 मीटर में उसकी साड़ी बन पाती है। एक बार चंपकलाल अपनी पत्नी के साथ टहलने निकले। रास्ते में एक ज्योतिष को देखकर उसकी पत्नी वहीं बैठ गई। ज्योतिष ने पूछा, तो आप अपने पति का भविष्य जानना चाहती हैं? चंपकलाल की पत्नी बोली, जी नहीं, उनका भविष्य तो मेरे हाथों में है, मैं तो बस उनका भूतकाल जानना चाहती हूँ। दुकानदार, मैंने आपको दुकान की एक एक चप्पल दिखा दी, अब तो एक भी बाकी नहीं है। महिला, वो सामने वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार, बहन रैम कर थोड़ा, उसमें मेरा लंच बॉक्स है। डॉक्टर, आपको क्या बीमारी है? मरीज, पहले आप वादा करो कि हंसोगे नहीं। डॉक्टर, ओके प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांगे दिखाई जो गन्ने जितनी पतली थी। डॉक्टर को यह देख के हंसी आ गई। मरीज, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताओ। मरीज, डॉक्टर साहब यह सूज गई है। डॉक्टर, सुभाग साले तो आया ही यहाँ हंसने के लिए है। थप्पड़ मारने पर नाराज वाइफ से हस्बैंड बोला, आदमी उसी को मारता है जिससे वो प्यार करता है। वाइफ ने हस्बैंड को 2 थप्पड़ मारे और बोली, आप क्या समझते हैं, मैं आपसे प्यार नहीं करती। कवि सम्मेलन संस्थान को भक्त भगवान को बार बार फोन कर शिकायत कर रहा था, हे भगवान, ठंड बहुत लग रही है, गर्मी कितनी है, बरसात नहीं हो रही, उसम बहुत है, बारिश भयंकर है, ग्राहक नहीं चल रहे हैं, बाजार मंदा है। सहज रूप से भगवान बोले, भाई तेरे को दुनिया में नहीं जम रहा तो ऊपर बुला लेता हूँ। भक्त, नहीं नहीं प्रभु, सब ठीक है, और फोन काट दिया। एक
मौलिक संदेश देता हूँ, खत्म करता हूँ हमारे शहर के खुद आगे बढ़े और यही जीवन के पास संता। बचपन में माँ की बात सुनी होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। जज क्या कहती थी माँ? संता जब बात ही नहीं सुनी तो कैसे बताऊँ क्या कहती थी। मंजिल पर पहुँचने के बाद लड़की वाले हमें लड़का पसंद नहीं, लड़के वाले पसंद तो हमें भी नहीं है, अब क्या करे, घर से निकाल दे। अच्छा भी इस कदर ना लगे, कदर ना लगे। वाह वाह, बस तुझे उस नजर से देखा है। पत्नी अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? पति शायद मैं भी मर जाऊं। पत्नी क्यों? पति कभी कभी ज्यादा खुशी भी जानलेवा होती है। सीने पे रख के सोती है। पप्पू बहुत देर से एक लड़की को घूर रहा था। लड़की तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? पप्पू है ना, तभी तो देख रहा हूँ, क्योंकि माँ को बहू और बहन को भाभी चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। खामोश है वो इसलिए दिल के सवाल पर। एक सुंदर सी लड़की एक लड़के के पास गई। लड़की सुनिए, मेरे हाथ में एक गिलास और दूसरे में प्लेट है, आप मेरे चेहरे से एक चीज हटा देंगे? लड़का हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या चीज हटानी है? लड़की अपनी कुत्ते जैसी नजर। पूजन वो महताब का, पूजन वो महताब का। वाह वाह वाह, लोग वाह, क्या बात है। इस जिंदगी के बाप बेटा, अमेरिका में 15 साल के बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं बेटा, लेकिन बापा भारत में तो 1 साल का बच्चा भी भागने लग जाता है। तारीफ। वाह वाह। और शेर आखरी। क्या लोग, बहुत अच्छा। पति तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा तो हुआ। पत्नी कौन सा फायदा? पति मुझे मेरे गुनाह की सजा इसी जन्म में मिल गई। गर्ल क्या करते हो? बोए नारी सम्मान सेवा पर काम करता हूँ। गर्ल सोशल वर्कर हो? बोए नहीं, फेसबुक पर गर्ल्स की फोटो को लाइक करता हूँ। डिम्पी पहले मेरे पति भाग भाग कर मेरी फरमाइशें पूरे करते थे। सिंपी और अब डिम्पी अब मेरी फरमाइशें सुनते ही भाग जाते हैं। टमाटर 100 रुपए किलो हो गया है, कल गलती से नेताजी के मुंह पे किसी ने टमाटर फेंक दिया, घर आते ही बीवी ने उनका मुंह कढ़ाई में दे दिया। कभी टाइम नहीं लगाया।